उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने ब्यूटी इंस्टीट्यूट की आड़ में धर्मांतरण की मुहिम चलाने के आरोपों से घिरी लैक्मे एकेडमी की डायरेक्टर रक्षंदा खान और उनके पति शाहनवाज समेत तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस ने एकेडमी को सील कर दिया है। लैक्मे एकेडमी में ब्यूटीशियन का कोर्स कर रही कुछ हिंदू छात्राओं ने रक्षंदा खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए दो दिन पहले DM अनुज सिंह से मामले की शिकायत की थी। छात्राओं का आरोप था कि रक्षंदा खान उन्हें इंस्टीट्यूट में काम कर रहे मुस्लिम युवाओं के साथ दोस्ती करने और उनसे शादी करने के लिए प्रेरित करती हैं। वो कहती हैं कि पहले मैं भी हिंदू थी, लेकिन मैंने मुस्लिम युवक से शादी की और अब मैं मुसलमान बनकर खुश हूँ। पीड़ित छात्राओं का कहना है कि जब उन्होंने DM से मामले की शिकायत की तो इसके बाद एकेडमी की संचालिका रक्षंदा के पति शाहनवाज ने उन्हें घर से उठवा लेने और जान से मार देने की धमकी दी है। वहीं बजरंग दल और पीड़ित छात्राओं ने एकेडमी को सील करके रक्षंदा खान को अरेस्ट करने की मांग की है। मामले में मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त एक शिकायत कांठ रोड पर लैक्मे एकेडमी की संचालिका द्वारा छात्राओं के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किए जाने व अन्य शिकायत जिस संबंध में थाना सिविल लाइंस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। सर, थाना सिविल लाइन पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, क्या पूरा मामला? ये थाना सिविल लाइंस में एक शिकायत जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिसमें एक लैक्मे एकेडमी जो कांठ रोड पर स्थित है उसके दो छात्राओं ने, एक छात्र ने ये कंप्लेंट की थी कि इस एकेडमी की संचालिका उनके द्वारा इनके साथ एक धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, और कुछ अन्य शिकायतें भी उनके द्वारा की गई थी कि उनके द्वारा नकली प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है और उनके साथ तरह तरह से भेदभाव किया जा रहा है। इस संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है जो BNS की धारा 299, 351(2) और 3181 के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ है। इसमें गहराई से इसकी छानबीन की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप इसमें कार्यवाही की जाएगी। रक्षंदा खान पर हिंदू धर्म के प्रति अपशब्द बोलने और हिंदू छात्राओं को तिलक, सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने से रोकने के भी आरोप लगे थे, जिसके बाद मंगलवार को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कांठ रोड पर स्थित लैक्मे एकेडमी के बाहर सड़क जाम करके हंगामा और नारेबाजी की थी। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने इंस्टीट्यूट की निदेशक सपना सिंह उर्फ रक्षंदा खान का पुतला भी फूंका था। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने करीब एक घंटे तक प्रदर्शन और नारेबाजी की थी, जिसके बाद CO सिविल लाइन्स अर्पित कपूर ने कार्रवाई का भरोसा देकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराया था। इसके बाद सिविल लाइन्स थाने में रक्षंदा खान, शाहनवाज और एक अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।